नमस्ते दोस्तों, मैं मीनाक्षी जैन सासू माँ की रसोई में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं मोजीतो। तो आज हम बनाएंगे वाटरमेलन मोजीतो और दूसरा बनाएंगे कुकुम्बर। दोनों ही बहुत ही आसान है। आप बाज़ार में जाते हैं, होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं तो ये हमारे को 150 से 250 रुपये ग्लास मिलता है और बनाना घर में बहुत ही आसान है, सभी को पसंद आता है और झटपट बनने वाली रेसिपी है। तो चलो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे वाटरमेलन मोजीतो। उसके लिए हमको चाहिए 3 से 4 चम्मच, हमको इस तरह से बारीक कट करे हुए हमको वाटरमेलन चाहिए। साथ में हमको चाहिए पुदीने की पत्ती और नींबू। तो मैं आपको एक यहाँ पर ट्रिक बताती हूँ क्या करना है, क्योंकि मोजीतो को के लिए हमको नींबू को जो है क्रश करना होता है हाथ से, तो वो थोड़ा हार्ड होता है। तो इस तरह से हथेली के नीचे रख के आप इसको गोल गोल घुमाएं, तो देखिए ये सॉफ्ट हो गया। हमको थोड़ा सॉफ्ट ही चाहिए होता है और फ्रेश लेमन चाहिए होगा, तो कोई भी निशान ना हो। तो हमको क्या करना है, इसको आधा करके आधे के हमको 4 पीस इस तरह से कट कर देना चाहिए। और साथ में जो ये बीज है ये हम इसको निकाल देंगे और इसमें साइड में किनारी होती है ये देखिए, इस तरह से इसको आप कट कर दीजिए। तो मोजी तो बनाना बहुत ईजी हो जाता है। कई बार हम बनाते हैं तो लेमन जो है वो क्रश नहीं हो पाता, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। आप इस तरह से करेंगे तो आपका मोजी तो बहुत ईजीली बन जाएगा। अब हमको ये मिंट चाहिए, तो इसको हमको 20 से 25 लीव्स चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है थोड़ा रिफ्रेशमेंट बहुत अच्छा आता है। थोड़ा ज़्यादा पत्तियाँ ले, कम ना ले, कम से कम 20 से 25 ले ले। और साथ में हमको 3 से 4 चम्मच हमको ये वाटरमेलन चाहिए। तो इसके लिए हमको क्या करना है, इसके जो बीज है वो निकाल दें और थोड़ा छोटा छोटा इसको कट कर लीजिए, क्योंकि हमको इसको ग्राइंड नहीं करना है। हमको इस तरह से देखिए, आपके घर में ये मसाला कूटने वाली जिससे हम अदरक वगैरह कूटते हैं चाय के लिए, इस तरह से होगा। और अगर नहीं हो तो आप बेलन की सहायता से भी कर सकते हैं। आपके पास जो भी इस तरह का थोड़ा भारी सामान हो जिससे आप इस तरह से इसको क्रश कर सकते हैं। देखिए आपको इस तरह से इजीली आपको लेमन को, मिंट को और वाटरमेलन को, तीनों को आपको इस तरह से दबा दबा के क्रश करना है। एक चीज़ ध्यान रखिए, कभी भी इसको पीसना नहीं होता, इसको पीसा नहीं जाता है, ये हमेशा फ्रेश बनता है। साथ में हम लेंगे यहाँ पर 1 चम्मच पिसी हुई चीनी। इसका मैं आपको बताऊँगी, अगर आप चीनी ना डालना चाहे तो आपको क्या डालना है वो मैं एंडिंग में बताऊँगी। यहाँ पर हमको डालना है 1/4 चम्मच से भी कम काला नमक। जी हाँ, काला नमक से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा बन जाएगा। 3 से 4 टुकड़े बर्फ़ के हमने यहाँ पर डाला है स्प्राइट। आप चाहे तो 7 अप ले सकते हैं, लेकिन सिंपल सोडा जहाँ तक वो ना ले तो अच्छा है, और नहीं मिलता है आपको ये सब तो सिंपल सोडा भी ले सकते हैं। अब आप इसकी गार्निश कर दीजिए। ये देखिए इस तरह से हमने वाटरमेलन से और लेमन से कर दिया है, और इस तरह से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारा मोजीतो बनके तैयार हुआ है। ये देखिए हमारा बनके तैयार हो चुका है। अब हम बनाएंगे कुकुम्बर। कुकुम्बर का जो है ये भी बहुत आसान है बनाना, लेकिन इसके लिए मैं आपको 1-2 टिप्स दूंगी। सेम वही प्रोसेसर है, लेमन को उसी तरह से आपको करके डालना है। सेम 20 से 25 आपको पुदीने की पत्ती भी डालनी है। अब नंबर आया ये कुकुम्बर का, यानी ककड़ी का। ककड़ी के लिए आपको क्या करना है, तो छोटे छोटे पीस कर लिए। इसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है, तो आप क्या कर सकते हैं, कद्दूकस करते हैं ना, कसते हैं चीज़ों को, इस तरह से आप कस के भी डाल सकते हैं, लेकिन पीस के ना डालें। कभी भी मोजीतो में जो ये जो हमारे फ्रूट्स होते हैं वो उसको हम कभी भी पीस के नहीं डालते, तुरंत फ्रेश हमको बना के तैयार करना होता है। ये मैंने कट करके डाले तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगती है, लेकिन बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। एक बार इस तरह से बना के ज़रूर देखें आप, ये जब बना के पियेंगे तो एकदम बाज़ार वाला टेस्ट आपको आएगा। अब वापसी आपको यहाँ पर 1 चम्मच चीनी डालनी है, यानी कि चीनी का पाउडर, 4 से 5 बर्फ़ के टुकड़े, 1/4 चम्मच से कम काला नमक। ये स्किप ना करें, बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा इससे। एक बार ये काला नमक डाल के ज़रूर टेस्ट करें। साथ में स्प्राइट, मैंने स्प्राइट या 7 अप इसलिए बोला है क्योंकि इनका खुद का भी एक फ्लेवर होता है, लेमन जैसा फ्लेवर आता है, बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। तो इसलिए सिंपल सोडे की जगह ये वाला इस्तेमाल करके देखें, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, सिंपल सोडा यूज कर सकते हैं। और आपको इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अब हम इसकी गार्निश करेंगे। उसके लिए एक खीरा लिया है मैंने, खीरे को इस तरह से साइड से कट कर लिया, स्लाइस लिए, इसको हम लगा देंगे। यहाँ लगा देंगे लेमन की स्लाइस, ये आगे स्ट्रो, और हमारा ये भी बनके
तैयार हो गया है। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, एकदम फ्रेश, एकदम मोजिटो बना के पियो घर में, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा और मुझे यकीन है आपके पूरे परिवार को ये बहुत पसंद आएगा। थोड़ा रिफ्रेश फील होता है इससे, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपको चीनी नहीं लेनी तो आप इसकी जगह क्या कर सकते हैं, हनी। जैसे आपने एक चम्मच डाला तो 1 से 1.5 चम्मच आप ये हनी प्रयोग करें। मुझे चीनी वाला ज़्यादा पसंद है तो मैं चीनी वाला यूज़ करती हूँ, लेकिन अगर आप चीनी अवॉइड करते हो तो हम हनी से भी इसको बना सकते हैं। ये देखिए, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी रेसिपी देखने के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद। और आप एक बार इसको बना के जोर देखिए, घर पे बनने वाली हेल्थी ड्रिंक मोजिटो बहुत पसंद आएगा आप सबको। थैंक यू एंड धन्यवाद।